बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी के मोस्ट फेमस सॉन्ग खल्लास से पॉपुलर हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने फिल्म इंडस्ट्री में भले ही कम फिल्में की हो, लेकिन अपनी पहचान अपनी मेहनत के दम पर बनाने के साथ साथ अपनी शर्तों पर काम भी किया है। हालांकि फिल्मी पर्दे से ईशा कोप्पिकर काफी टाइम से गायब है, लेकिन कुछ ओटीटी प्रोजेक्ट्स में नजर भी आ चुकी हैं। अभी हाल ही में ईशा को मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड पेडल टेनिस फेडरेशन के एक इवेंट में स्पॉट किया गया। इसमें ईशा ने इवेंट की थीम को समझते हुए स्पोर्टी लुक कैरी किया हुआ था। उनके हाथ में पेडल टेनिस भी था। मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान ईशा ने बताया कि स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर इस जनरेशन के लोगों के लिए जो ज्यादातर अपना टाइम गैजेट्स में स्पेंड करते हैं। स्पोर्ट्स तो पहले से इम्पॉर्टेंट थे और आज भी इम्पॉर्टेंट है, कंसिडरिंग दैट आवर जनरेशन या दिस जनरेशन इज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन गैजेट्स, आई थिंक इट्स जस्ट बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। वहीं दूसरी तरफ पेडल टेनिस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेडल टेनिस और टेबल टेनिस एक जैसे ही है, बस इनमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है और इस साल पहली बार इसे ओलंपिक में भी जगह मिली है। इसी के साथ ईशा ने पेडल टेनिस में अपना हाथ आजमाने की बात भी करी। टेनिस के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये टेनिस के समान ही है, बट ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल डिफरेंट। बट ये अभी मैंने सुना है कि ये साल पहली बार ओलंपिक में भी खेला जा रहा है, विच इज़ ग्रेट। एंड मैं ज़रूर आई वुड लव टू ट्राई माई हैंड एट दिस स्पोर्ट, क्योंकि मैं काफ़ी स्पोर्टी हूँ, मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और कभी भी मैं कोई भी नया स्पोर्ट ट्राई करना मतलब पसंद करती हूँ। इट्स लाइक अ चैलेंज, इट्स आई लाइक इट, इट्स फन। इस इवेंट में ईशा के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे सेलेब्स को भी स्पॉट किया गया। इसमें टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रवि दुबे भी पेडल टेनिस को सपोर्ट करते हुए नजर आए। यार इस तरीके का स्पोर्ट तो हमने टेबल टेनिस ही खेला है, या फिर टेबल टेनिस या लॉन टेनिस, स्क्वॉश, आई थिंक दीस आर ऑल द ब्लेंड ऑफ रैकेट स्पोर्ट्स। रैकेट स्पोर्ट्स है, सो ये सारे रैकेट स्पोर्ट्स का ब्लेंड है एंड इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। आज पूरी दुनिया में ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है। व्हाट आर यू सेइंग? It's played in 65 countries and now in Olympics. So it's an Olympic sport now. I think. वैसे बॉलीवुड के फिटनेस फ्रीक एक्टर और एक्ट्रेसेस खुद को फिट रखने के लिए जिमिंग, एक्सरसाइजिंग और स्पोर्ट कितना खेलते हैं, ये तो किसी से भी नहीं छुपा है। क्या आपको पता है कि एक्टर रणदीप हुड्डा पोलो खेलने में इतने माहिर हैं कि कई सारे मेडल्स वो अपने नाम कर चुके हैं। वहीं बॉलीवुड की टॉप ग्लैम गर्ल की लिस्ट में शुमार दीपिका पादुकोण का बैडमिंटन लव तो आपने देखा ही होगा। और ऐसे में कपूर खानदान के शहजादे रणबीर कपूर को कई बार फुटबॉल के मैदान पर आपने देखा होगा। आपको बता दें कि रणबीर कपूर फुटबॉल खेलकर कमाए हुए सारे फंड्स को सोशल वर्क करने में लगाने में यकीन रखते हैं। वहीं बॉलीवुड के मोस्ट फेमस फिटनेस फ्रीक खिलाड़ी कुमार को तो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट तक मिली है। ऐसे में इन सेलिब्रिटीज का स्पोर्ट से खास लगाव होना कोई बड़ी बात नहीं है और जहां तक पेडल टेनिस की बात है, ये तो आने वाले टाइम में अपनी जगह बना ही लेगा। लगभग 8 साल पहले आई मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म एक विलन सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी और सुपरहिट गानों की वजह से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में सक्सेसफुल रही थी। 35 करोड़ में बनी इस फिल्म ने उस समय इंडिया के अंदर 98 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 150 करोड़ का बिजनेस किया था। वेल, अब एक विलन सीरीज का सेकेंड पार्ट भी ट्रेलर के तौर पर हो गया है लॉन्च और नाम रखा गया है एक विलेन रिटर्न्स। पहली बार की तरह इस मूवी में भी सस्पेंस है, थ्रिलर है और विलेन भी है। पहले ही पार्ट की तरह मूवी को रीडायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। अगर आप इस मूवी के ट्रेलर को देखेंगे तो शायद ये समझ ही जाएंगे कि यह कहानी एक विलेन की है जो पूरे 8 साल के बाद वापस आया है, जिसका टारगेट ऐसी लड़कियां होती हैं जो लड़कों के लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं। यानी विलेन अपने आप को एक तरफा प्यार करने वालों का मसीहा की तरह पूरी फिल्म स्टोरी में ट्रीट करता हुआ नजर आता है। फिल्म एक्शन और लव स्टोरी दोनों के कॉम्बिनेशन को बखूबी फिल्म के अंदर परोसा गया है।
मल्टी स्टार कास्ट के साथ बनी इस फिल्म का पोस्टर जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही 2 मिनट 42 सेकंड का ट्रेलर। जहां तक इसके ट्रेलर लॉन्च की बात है तो लीड कैरेक्टर यानी अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया, जॉन अब्राहम और दिशा पचानी ने विलन थीम को फॉलो करते हुए हाथ में मुखौटा लेकर ना सिर्फ ग्रैंड एंट्री करी बल्कि वहां मौजूद सभी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हुए सभी स्टार कास्ट भी काफी एक्साइटेड दिखी। यही नहीं, फिल्म के लीड एक्टर अर्जुन कपूर ने इस फिल्म में अपने कैरेक्टर को लेकर बात करते हुए कहा कि मैं इतना बिगड़ा भी नहीं हूँ जितना इस फिल्म में मोहित ने मुझे कास्ट किया है। गुड कास्टिंग यार मोहित। आई वुड से मेरे बाप दिल से बहुत अमीर है और मैं जितना बिगड़ना चाहूँ मेरी परवरिश मुझे बिगड़ने नहीं देगी, लेकिन इट्स ऑलवेज फन टू प्ले व्हाट यू आर नॉट राइट एंड आई वुड लाइक टू बिलीव मैं इतना बिगड़ा हुआ नहीं जितना मोहित ने मुझे कास्ट किया है। बट खैर, सम कैरेक्टर सूट यू, सम विजुअल्स कनेक्ट। व्हेन आई हर्ड दिस फिल्म, व्हेन आई हर्ड दिस आइडिया एंड आई वर्क्ड विद मोहित बिफोर, आई हैड फुल फेथ कि हीरो तो प्ले कर चुका हूँ और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में अगर घुसने का मौका मिलेगा तो कुछ ऐसा ही करना चाहिए विच स्टैंड्स आउट एंड टू प्ले। वही अर्जुन के अपोजिट कास्ट हुई उनकी एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने बताया कि फिल्म में उनका रोल रॉकस्टार का है, एक मॉडर्न रॉकस्टार का। I'm actually playing a rock star in this one. जबकि सेकंड लीडिंग लेडी दिशा पचानी ने बताया कि वो फिल्म में एक मिडिल क्लास लड़की का रोल प्ले कर रही हैं। I'm just playing a middle class girl with a top class attitude. Well, she understands her charm and she uses it over men to get what she wants. Right. And she's not a good girl that a guy wants to take home. She's a bad girl that every guy wants to have. सभी स्टार कास्ट इस दौरान फुल ऑन फनी मूड में नजर आए। चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। इसके लिए आए तो वो तो मिल गया, चलो मिल गया, बहुत मिल गया, ओवरडोज हो गया। इससे ज्यादा देंगे तो फिर रहेगा नहीं, चलो जल्दी। वहीं इस फिल्म के अंदर हॉट एंड हम जॉन अब्राहम ने पहली बार मोहित सूरी के साथ काम करने पर अपनी एक्साइटमेंट और खुशी को जाहिर किया। Well, I love the script. When I heard the script the first time, I loved it. Then I met Ekta and Mohit in the office, and I was totally floored by the script. It's unbelievable, and I think Mohit is he's executed it even better. So it's absolutely fantastic. वैसे फिल्म की पूरी टीम का एक्साइटमेंट देखकर तो लग रहा है कि ये फिल्म काफी दिलचस्प होने वाली है, पर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर कितनी खरी उतरेगी यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी हाल फिलहाल बॉलीवुड की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं। वैसे जितना ज्यादा फेमस शाहरुख है उतनी ही फेमस उनकी लेडी लव और बेगम जान गौरी खान है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि गौरी के इंस्टाग्राम हैंडल पर उनके फॉलोवर्स 4.2 मिलियन हैं। गौरी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की बीवी होने के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान भी रखती है। बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर है गौरी खान। जी हाँ, वे बॉलीवुड के कई सारी नामचीन हस्तियों के घर भी डिजाइन कर चुकी हैं, जिनमें से जैकलिन फर्नांडिस, रणबीर कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर जैसे स्टार्स शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया भर के कई देशों में भी गौरी खान के कई सारे बिजनेस और अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। यानी अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किंग खान के सामने उनकी बीवी का स्टारडम कहीं भी फीका नहीं है। खैर, ये सब तो अभी की बातें हैं। फिलहाल गौरी ने सक्सेसफुल और फेमस होने के बाद भी अपनी पास्ट लाइफ को रिवाइव करने का किया है एफर्ट। वो अपनी पुरानी जिंदगी और पुरानी तस्वीरों को बहुत ही सहेज कर रखती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है गौरी का इंस्टाग्राम वायरल पोस्ट। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि मिसेस खान ने अपनी सालों पुरानी तस्वीर को इंस्टाग्राम के जरिए फैंस और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है। पिक्चर में गौरी तो बला की खूबसूरत लग रही है, वहीं उनके बगल में बैठी साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की वाइफ नम्रता शिरोडकर भी नजर आ रही हैं और उन्हीं के साथ सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी। इस फोटो को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ऑल द ब्यूटी इज इन वन फ्रेम, लेकिन जरा
जूम इन करके देखिए, यहाँ आपको गौरी के ठीक पीछे उनके सुपरस्टार हस्बैंड शाहरुख भी नजर आएंगे, जिनको पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। पोस्ट हुई पिक्चर में एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर ने खुशी जताते हुए स्वीट मेमोरीज के साथ लव इमोजी का कमेंट किया है। वहीं गौरी की इस फोटो पर शाहरुख और गौरी की म्यूचुअल फ्रेंड फेमस डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने भी ब्लैक हार्ट इमोजी के साथ कमेंट किया है। वैसे गौरी की ये थ्रोबैक मेमोरी सबको पसंद आ रही है, आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।